हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज इस क्लास में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि नया है, अलग है और बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही साथ जो कुछ भी हम इस क्लास में करेंगे वो बहुत मज़ेदार होने जा रहा है आप सभी के लिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? पहले बात को सुनिएगा, मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछूंगा। उन क्वेश्चंस के आप जवाब देंगे, जवाब मैम बोर्ड पे लिखेंगी और सारे के सारे बच्चे इस प्रश्नों के सवाल के जवाब देंगे। तो आप सभी तैयार है ना? राइट, तो ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है सुपरमैन। तो बताइए बताइए, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? आप सभी को बताना है और मैम आपके आंसर व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगी। तो फटाफट बताइए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज हिज हर सुपर पावर? हर सुपर हीरो के पास सुपर पावर्स होती हैं। जैसे सुपरमैन के पास उड़ने की ताकत है, उसी तरीके से जो आपका सुपर हीरो है, जिसका नाम आपने मैम को नोट कराया है, उसकी सुपर पावर्स कौन कौन सी हैं? आप लोग बताएंगे और मैम इसको व्हाइट बोर्ड पे नोट करेंगी। तो फटाफट बताइए। तीसरा क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ सुपर हीरो? क्या आप एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं? यस और नो? वेरी गुड, आप सभी एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। तो अब आते हैं फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन पर। हर सुपर हीरो के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं, हमने देखा। तो व्हाट सुपर पावर्स डू यू वांट टू हैव? आप सुपर हीरो होंगे तो आपके पास कौन कौन सी सुपर पावर्स होंगी? फटाफट सोचिए बताइए, मैम इसका भी आंसर व्हाइट बोर्ड पे नोट करेंगी। सोचिए सोचिए। वेरी गुड, अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। यू ऑल आर अ सुपर हीरो, आप सभी जो हैं वो एक सुपर हीरो हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस एक्टिविटी के बाद आप सभी को अपनी सुपर पावर्स मालूम पड़ जाएंगी। तो आप सभी एक्साइटेड हैं इस एक्टिविटी के लिए? वेरी गुड। बट इस एक्टिविटी के लिए मुझे 3 कमिटमेंट चाहिए आपसे। पहला, कि जो भी मैं बोल रहा हूं या मैम बोल रही हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरा, जो भी कुछ दिख रहा है उसको ध्यान से देखना है। और तीसरा, सोच करके ही जवाब देना है। तो क्या 3 शर्तें आपको मंजूर हैं? चलिए तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये कुछ फोटोज हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए। सारे बच्चे इनको ध्यान से देखें, इन 8 फोटोज को ध्यान से देखें। वेयर हैव यू सीन देम? इन फोटोज को, इन इमेजेस को आपने क्या कहीं देखा है, कभी देखा है? सोच के बताइए। आप सभी ने देखा है पिछले काफी समय से, ये बैनर आपके स्मार्ट क्लास में टीवी के ऊपर लगा है, जहां पे ये सारी इमेजेस आप रोज देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके इन इन फोटोज को मैं शो करूंगा और आपको सोचना है कि फोटो में क्या दिखाया गया है और उसको देख के आपको क्या दिमाग में आ रहा है। आप उनका आंसर बताएंगे और मैम उनके आंसर्स को व्हाइट बोर्ड पे नोट करेंगी। तो शुरू करें इस मजेदार एक्टिविटी को। यस, ये है आपके पास पहली तस्वीर। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको और उसको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है। मैं हिंट देता हूं, बीच जो कि जमीन से निकल के एक पौधे में बदल रहा है। आप बताइए क्या आ रहा है समझ में आपको? एक बीच जो कि कमजोर सा है,
जमीन को तोड़ के बाहर आता है, पौधा बनता है, होप, आशा। और हम सभी की पहली सुपर पावर है होप, आशा, राइट? तो चलते हैं दूसरी इमेज पे। ये क्या दिख रहा है? देखिए देखिए और सोचिए, क्या कुछ हाथ जैसा दिख रहा है? सोचिए और बताइए। सहायता के लिए जब भी हमारा हाथ बढ़ता है आगे, तो हम हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं। और ये फोटो, ये चित्र दिखा रहा है ह्यूमिलिटी को, विनम्रता को, जो कि आपकी है सेकेंड सुपर पावर, राइट? आते हैं तीसरी इमेज पे। ये क्या है? कुछ बिजली जैसा लग रहा है ना, बिजली कड़कती है। तो सोचिए और बताइए कौन सा शब्द आ रहा है आपके दिमाग में। जेस्ट, उत्साह। जब भी बिजली कड़कती है ना, उसमें बहुत पावर होती है। इसी तरीके से जब हम खुश होते हैं, तो हमारे हर काम में बहुत ताकत आ जाती है। तो ये चित्र जो है वो दिखाता है हमारी तीसरी सुपर पावर को, जिसे बोलते हैं जेस्ट या उत्साह। सभी मिलके बोलिए, जेस्ट या उत्साह। आते हैं आप चौथी इमेज पे। ये क्या है? तीर। तीर अपने लक्ष्य पे लग रही है। बताइए बताइए, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? सेल्फ कंट्रोल। क्यों क्यों ये चित्र सेल्फ कंट्रोल या आत्म संयम को दिखा रहा है? जब भी हम अपना पूरा ध्यान हर तरफ से हटा करके एक चीज पे लगाते हैं, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। तीर निशाने पे लगता है, इसीलिए ये चित्र सेल्फ कंट्रोल और आत्म संयम को दर्शाता है। और ये है आपकी सुपर पावर नंबर 4। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चित्र है। पहाड़ बना हुआ है और ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो किस चीज को दिखाता है ये? वेरी गुड, सोचिए। ये दिखाता है ग्रिट, परसिवरेंस, लगे रहना, हमारी छठी सुपर पावर। जब भी हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो कहीं पर भी हमें रुकने का मौका नहीं मिलता। इसलिए जो लक्ष्य हमने बना लिया है, उसे पूरा करके ही सांस लेनी है। तो ये चित्र दिखाता है ग्रिट, परसिवरेंस, आपकी पांचवी, आपकी अगली सुपर पावर। कौन सी है? ग्रिट, परसिवरेंस, लगे रहना। अगली इमेज काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए सोचिए, आप सभी ने इसको जरूर देखा है। किस काम में लाते हैं इस फावड़े को? सोचिए और बताइए। जिस तरीके से फावड़े से मट्टी हटाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर हमें कुछ जानना है तो बहुत सारे प्रश्न पूछने पड़ते हैं, किताबों को पढ़ना पड़ता है, तब हमें जाकर के ज्ञान होता है। तो स्पेड जो ये फावड़ा बना है, ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को दिखा रहा है। और ये है आपकी अगली सुपर पावर, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। चलते हैं अगले चित्र पर। आपकी सातवीं सुपर पावर इस चित्र में दिखाई गई है। देखिए क्या दिख रहा है और आप क्या बता सकते हैं इससे। वेरी गुड, सोचिए। घोड़ा, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता। घोड़े ग्रुप में रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग भी अपने अगल बगल लोगों के साथ अच्छे से रहें, तो बोला जाता है कि हम सोशली इंटेलिजेंट हैं। और ये है आपकी सातवीं सुपर पावर, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो चलें अगले चित्र की तरफ, आखिरी चित्र की तरफ। ये किस चीज को दर्शाता है? एक गोला है, नीचे कुछ माउस जैसा बना है। सोचिए सोचिए। वेब सर्फिंग। आप लोगों ने गूगल तो जरूर किया होगा। जब भी हम लोग कोई चीज इंटरनेट पे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। और ये, इसको आने से हम कोई भी चीज
जो भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। तो ये है आपकी 8 सुपर पावर्स। अब यहां पर हम सभी को 8 चित्र दिख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा और आप बताएंगे कि कौन सा चित्र किसको दिखा रहा है। तो चलिए चलिए बताइए, पहला जिसमें बिजली कड़क रही है, ये किस सुपर पावर को दिखा रहा है आपकी? सोचिए। वेरी गुड, ये दिखा रहा है किसको? जेस्ट को, उत्साह को। नंबर 2 पे पृथ्वी बनी है और माउस बना है, ये किस सुपर पावर को दिखा रहा है? वेब सर्फिंग आप सभी को करना आता है, वेरी गुड। नंबर 3 पे स्पेड बना है, फावड़ा, इससे हम मट्टी हटाते हैं, मेहनत लगती है। उसी तरीके से अगर हमें कुछ नया जानना है, हम क्यूरियस हैं, हम जिज्ञासु हैं, तो ये भी हमारी सुपर पावर है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। नंबर 4 पे है पहाड़ और उसमें लगा है झंडा, तो ये किसको दिखाता है? वेरी गुड, ग्रिट, परसिवरेंस, जिसे बोलते हैं लगे रहना। आते हैं 5वें चित्र की तरफ, तो लक्ष्य पे तीर लगा है, ये किसको दिखाता है? आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 6th one है हेल्पिंग हैंड, मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ, जो ह्यूमिलिटी, विनम्रता को शो करता है, और ये है हमारी 6th सुपर पावर। अगली में बना है घोड़ा और आप सभी को बताया है, घोड़ा दिखाता है सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस को। और आखिरी में बीज, जो कि जमीन से निकल के पौधा बन रहा है, और ये दर्शाता है होप, आशा को, राइट? तो आप सभी को याद हो गया ना? यहां पे उल्टा करते हैं, यहां पे मैं नाम बोलूंगा और आप लोग बताएंगे कि इसके लिए कौन सी इमेज हम लोगों ने देखी है। तो पहले आते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, कौन सी इमेज थी इसके लिए, सोचिए और बताइए। हाँ, टारगेट पे तीर लग रही थी, वेरी गुड। नंबर 2, ग्रिट, परसिवरेंस, लगे रहना। कहां पे चढ़ने की बात कर रहे थे हम लोग? पहाड़ पे, जहां झंडा लगा था, वेरी गुड। नंबर 3, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कौन चीज थी इसके लिए, कौन सी इमेज थी? स्पेड, फावड़ा था, वेरी गुड। 4th इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता, क्या बना था इसके लिए? हेल्पिंग हैंड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज होप, आशा, इसके लिए क्या था? बीज से पौधा बनना, यस यू आर राइट। नेक्स्ट इज जेस्ट, उत्साह, इसके लिए क्या था? यस वेरी गुड, बिजली का चमकना, वेरी गुड। एंड सेकंड लास्ट है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता, और इसको कौन सा जानवर दिखाता है? घोड़ा, यस। एंड फाइनली आते हैं वेब सर्फिंग, जिसको बोलते हैं गूगलिंग, और आप सभी को आती है वो, और इसको दिखाया गया था किससे? पृथ्वी थी और उसमें किनारे पर माउस बना था। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी 8 सुपर पावर के नाम और चित्र याद हो गए। तो यू आर अ सुपर हीरो और नॉट, आप एक सुपर हीरो हैं कि नहीं? आप सभी सुपर हीरोज हैं और आपको अपनी 8 सुपर पावर्स मालूम पड़ गई हैं, जैसा कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। तो ये हैं 8 सुपर पावर के चित्र, और आपकी मैम आपसे 1 by 1 पूछेंगी, और अब आप लोगों के बताने की बारी है। पहले हम लेफ्ट हैंड पे करेंगे, फिर राइट हैंड पे ऊपर से नीचे करेंगे। तो लेते हैं हम लोग टाइम, और मैम पूछेंगी और आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सी चित्र किस सुपर पावर को दर्शाता है, राइट? तो शुरू करते हैं। जो भी कुछ हमारे पास है, चाहे वो हमारी सुपर पावर हो या कोई भी चीज हो, ज्ञान हो, अगर हम उसका डेली उपयोग नहीं करते हैं तो वो चीज कमजोर पड़ जाती है। इसलिए
आप सभी सुपर हीरोज को अपनी सुपर पावर मालूम पड़ गई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट डेली हमें जब क्लास में आना है तो हमें क्या करना है, इस पोस्टर को देख करके अपनी सुपर पावर को याद करना है और उसके ऊपर बात करनी है, अपने दोस्तों से उसके ऊपर डिस्कशन करना है, और कहीं पर कोई डाउट हो तो मैम से तुरंत पूछना है। अगर रोज हम ये करेंगे तो हमारी सुपर पावर रोज बढ़ेगी और आप एक बहुत ताकतवर सुपर हीरो के रूप में सामने आएंगे। इसी के साथ 21st सेंचुरी स्किल्स का हमारा पहला स्टेज होता है खत्म। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से। बाय बाय।